किसी भी ब्रांड का आप टीवी यूज कर रहे हैं, अगर टीवी के साथ आप ये सब एक्टिविटीज करते हैं और टीवी को प्रॉपरली केयर नहीं लेते हैं, तो आपका चाहे ब्रांडेड टीवी हो या नॉन ब्रांडेड टीवी हो, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा चीज़ करना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं, सो दैट हम अपने टीवी का यानी एलईडी टीवी का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग जो है टीवी दे सकते हैं। जनरली अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, जो भी कंपनी टीवी बनाते हैं, टीवी का जो लाइफ स्पैन है वो है 4 to 10 years। लेकिन कितना लोग है हमने से जो अप टू 10 years तक टीवी को यूज करते हैं? पर आवरली देखेंगे तो 40,000 hours to 1,00,000 hours। हालांकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर डिपेंड करेगी कि आपका टीवी कितना देर तक लास्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट, यानी कौन सा लोकेशन पर आप टीवी को फिक्स की है, नंबर वन। नंबर टू, कंपोनेंट्स। आप फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड टीवी जो है थोड़ा देर जाता है यानी लास्टिंग करता है एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका अंदर में जो कंपोनेंट्स यूज होता है वो काफ़ी प्रीमियम कंपोनेंट्स यूज किया जाता है, इस कारण से आपका टीवी जो है लास्ट करता है। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स बात करने वाले हैं, वीडियो बहुत स्मॉल होने वाला है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल मन नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ टिप्स है, कुछ स्मॉल टिप्स है जो हमने करके अपना टीवी का जो लॉन्ग लास्टिंग जो बोलते हैं उसको हम लोग बिल्कुल इंश्योर कर सकते हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे हैं टेक डिविजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कंट्रास्ट रेशियो। आप अपने टीवी को जब शोरूम से बाय करते हैं या जब ऑनलाइन से बाय करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक कंट्रास्ट रेशियो सेट होकर रहता है, लेकिन आपको पता नहीं वो हाई है या लो है या मीडियम है या क्या है। अगर आप कंट्रास्ट रेशियो हाई करके रखते हैं मोर देन द नॉर्मल, तो आपका टीवी का जो पावर है ज़्यादा यूसेज होता है, सो आपका टीवी का जो लॉन्जिविटी के ऊपर में इसका इम्पैक्ट होगा और आपका टीवी जो है ज़्यादा दिन लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकता है। सो आप कंट्रास्ट लेवल को बराबर चेक करते रहना है, जरूरत नहीं एक बार चेक करके उसको सेटिंग करके छोड़ देना। सिमिलरली ब्राइटनेस लेवल, आप ब्राइटनेस लेवल को भी एडजस्ट कर लीजिए अपना रूम का हिसाब से। अगर आपका टीवी में AI ब्राइटनेस है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्राइटनेस लेवल को आप एडजस्ट करते हैं, वंस द पिक्चर्स बिगिन टू डिम द पिक्चर क्वालिटी इज अफेक्टेड ऑनटिल इट इवेंचुअली बिकम्स अनवॉचेबल। फिल्म योर होम सेटिंग वर्क जस्ट एज वेल, और यू कुड एडजस्ट इट बेस्ड ऑन द लाइट ऑफ द रूम इट इज बीन बाय सिलेक्टिंग ईदर डार्क रूम और मीडियम रूम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आप अपने टीवी को जो प्लेसमेंट कर रहे हैं, टीवी को कभी भी विंडो का बगल में या डोर का बगल में या फिर जहां पर डायरेक्ट सनलाइट जो है उसका ऊपर में गिरेगा आपको लग रहा है, तो उस प्लेस पर आपको टीवी को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि सनलाइट जो है कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। टीवी का प्लेसमेंट को लेकर और एक चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब टीवी को जो प्लेसमेंट कर रहे हैं वो टीवी जो है ज़्यादा ग्राउंड लेवल में नहीं होना चाहिए, यानी जब आप रूम को क्लीन करेंगे अल्टीमेटली वो डस्ट जो है ऑब्जर्व करने का चांसेस रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हमेशा डस्ट से बचाना चाहिए। सो टीवी का जो प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर से स्पेस होना है, वॉल में आप माउंट कर रहे हैं टीवी को बेस्ट चीज़ है, बट इंश्योर कि टीवी और वॉल का बीच में वेंटिलेशन होना जरूरी है, यानी गैप रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है ये टीवीज़ पर मदरबोर्ड्स होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, जब टीवी रन होता है कंटिन्यूसली अल्टीमेटली हीट जनरेट होता है, तो वो हीट बाहर कैसे आएगा अगर गैप नहीं है? आप बिल्कुल दीवार का अंदर में चिपक देता है, कुछ लोग ऐसे भी होता है टीवी बिल्कुल बाहर में दिखाई नहीं देगा, टीवी का फ्रेम वगैरह कुछ भी, तो उस सिनेरियो में टीवी का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत लेस होगी। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट यानी वाइटल फैक्टर के ऊपर में, आप टीवी देखते हैं लेकिन आप टीवी बाय करने से पहले सोल्यूशन भी क्या है मैं बताता हूँ आपको, आप टीवी का AC इनपुट ऑपरेटिंग पावर रेंज देखने का बेहद जरूरी है। अगर आपका टीवी पर 90 वोल्ट AC मिनिमम टू 300 वोल्ट AC है तो नो नीड टू यूज स्टेबिलाइजर्स। अगर आपका टीवी 220 टू 240 100 टू 240 देन बेटर टू यूज स्टेबिलाइजर, क्योंकि अगर आपका एरिया में कुछ वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है
लाइटनिंग के टाइम में जनरली ऐसा होते होने को देखने को मिलता है, अदरवाइज कुछ अगर प्रॉब्लम होने से, तो उस सिनेरियो में अगर आप टीवी देखते हैं आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, तो कम से कम अगर आप स्टेबिलाइजर यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर को यूज करेंगे, तो आप अपने टीवी का पावर सप्लाई पार्ट्स को बचा सकते हैं। अल्टीमेटली टीवी का जो लाइफ स्पैन है वो इम्प्रूव होगी। एंड यस, जो हम लोग सभी लोग करते हैं, टीवी को देखने के बाद बेटर है ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि वॉच आवर से भी टीवी का लाइफ स्पैन डिसाइड होता है। सो जिस टाइम में आप टीवी नहीं देखते हैं, स्टैंड बाय मोड, स्लीप मोड या टीवी ऐसे ही चल रहा है, तो ये सारे चीज जो है टीवी के साथ नहीं करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।